चंगाई के अंगीकार। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसका वचन हमारे शरीर के लिए दवाई है। नीति वचन 18:21 हमें सिखाता है कि हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। इसीलिए आइए हम विश्वास से परमेश्वर के वचन को बोलें जो हमारे शरीर में चंगाई प्रदान करता है। इसीलिए जब कभी आप विश्वास से इन घोषणाओं को सुनते हैं और उन्हें जोर से बोलते हैं, आप पवित्र आत्मा की चंगाई की सामर्थ को अपने शरीर के बीमार अंगों में खोल देते हैं। चंगाई की ये घोषणाएं दिन में कई बार जोर जोर से बोलें, जैसे कि आप अपने लिए या फिर किसी और के लिए दवा की खुराक ले रहे हों। मैं घोषणा करता हूं कि मसीह ने मुझे व्यवस्था के हर एक श्राप से छुड़ा लिया है। इसीलिए मैं किसी भी बीमारी या रोग को अपने शरीर पर आने की अनुमति नहीं देता। इस शरीर को छूने वाली हर एक बीमारी, कीटाणु और वायरस उसी समय यीशु के नाम में मर जाते हैं। मेरा शरीर का हर एक अंग और प्रत्येक अंश पूरी क्षमता में कार्य करता है जैसा परमेश्वर ने मुझे बनाया है। मैं यीशु के नाम में अपने शरीर में किसी भी तरह की खराबी की अनुमति नहीं देता। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और उसके वचनों पर ध्यान देता हूं। मैं अपने कानों को उसकी बातों पर लगाता हूं और मैं परमेश्वर के वचनों को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता। मैं उन्हें अपने हृदय के बीच में रखता हूं क्योंकि वह मेरे लिए जीवन है। वह मेरे पूरे शरीर के लिए स्वास्थ्य और दवाई है। जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, वह मुझ में रहता है। जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, वह मेरे नश्वर शरीर को भी उसी आत्मा के द्वारा जीवन दे रहा है। इसीलिए मेरा हर एक अंग जो पीड़ित था, इसी समय परमेश्वर की चंगाई को और परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ को इसी समय प्राप्त कर रहा है। मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करता हूं और वह मेरी रोटी और मेरे पानी को आशीष देता है और हर एक बीमारी को मुझसे दूर करता है। मैं अपने खानदान में होने वाले सारे रोगों से मुक्त हो गया हूं क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन निरंतर बह रहा है। यीशु ने स्वयं मेरे अपराधों को और मेरी सारी बीमारियों को खुद पर उठा लिया। वह मेरे ही अधर्म के लिए कुचला गया, मेरी भलाई के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर मुझे चंगा किया है और मुझे हर एक विनाश और विपत्ति से बचाया है। इसीलिए मेरे शरीर में हर एक रोग बाहर खदेड़ा जाता है और वह इसी समय जड़ से नाश हो जाता है। मैं अपने पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलता। उसने मेरे सारे अधर्म को क्षमा किया है और मेरे सारे रोगों से मुझे चंगा किया है। धन्यवाद पिता। वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, वही पवित्र आत्मा मुझ में भी रहता है और वही पवित्र आत्मा इसी वक्त मुझे जीवन दे रहा है। मेरे शरीर में बीमारी का कोई स्थान नहीं है। मैं विश्वास से ये घोषणा करता हूं कि मैं अलौकिक स्वास्थ्य में जीता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन।